ब्रेन इज लाइक अ मसल, तो जितना ज्यादा हम अपने ब्रेन पे काम करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, वो उतना ही इम्प्रूव होगा और उतना ही स्ट्रांग होगा। मेरा यही मानना है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ यही बात शेयर करती हूँ। मेरा नाम ऋचा जैन है, वेलकम बैक टू माई चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आज की वीडियो है पाजल्स की, जिग्सो पाजल्स स्पेसिफिकली, हम कैसे ईजिली घर पे बना सकते हैं और हमारे 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ईजीएस्ट जिग्सो पजल्स की मैं बात करूँगी कि कैसे हम बनाएं और कैसे हम अपने बच्चों को चैलेंज करें जो 2 साल के हो गए हैं और 2 ईयर प्लस हैं, तो उनके लिए इनिशियली हम कैसे घर पे क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टिकर लिया, उसको ब्लॉक्स पे लगाया और बीच में से कट कर दिया। अब उस ब्लॉक को बच्चे को जोड़ना है इन अ करेक्ट फॉर्मेशन। तो इसमें हम बच्चे को एक तो आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और किस तरह से उसको फॉर्म करना है। सो दिस इज द इजीएस्ट एक्टिविटी फॉर अस एंड फॉर किड। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैंने कार्ड्स लिए हैं, उस पर शेप्स ड्रॉ की और बीच में से कट कर दिया। अब बच्चे को वो फिगर या शेप को कंप्लीट करना है। दिस इज अगेन वेरी इजी टू मेक जिग्सो पजल। 2 पीस पजल हमने बनाया, बच्चे को चैलेंज किया, बच्चा जब उसको आइडेंटिफाई करके कंबाइन करने लगता है तो बच्चे की विजुअल परसेप्शन इंप्रूव होती है, बच्चे का अटेंशन एंड फोकस इंप्रूव होता है। अब जब बच्चा 2 पीस पजल करने लगे तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को लेके जा सकते हैं और 3 पीस पजल बना सकते हैं। ये 3 पीस पजल है, सर्कल को मैंने 3 पार्ट्स में कट कर दिया है। इनिशियली मैंने उस पर 1, 2, 3 नहीं लिखा था, सिर्फ सर्कल कंप्लीट करना था। और जब कृष्ण को काउंटिंग आ गया तो उसको और टफ करने के लिए मैंने काउंट एंड मैच के साथ में वो जिग्सो पाजल को डिफ़िकल्ट कर दिया। सो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को जिग्सो पाजल्स घर पे बना के दे सकते हैं और उनको चैलेंज कर सकते हैं। जब वो 3 पीस पजल्स करने लगे तो हम 4 पीस 5 पीस और थोड़ा सा इलेबोरेट करते जाएंगे और डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। हम अपने बच्चों को जिग्सो पजल कैसे सिखा सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं। आई होप ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।